मीठे बच्चे, यह ब्रह्मा है, सतगुरु की दरबार है, इस ब्रुकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने के लिए आए हैं? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान आते, कभी फिमेन है, फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। सतयुग और त्रेता में प्रकृति हमारी क्या थी? दासी थी, तो गुलाम कहेंगे। माया का वार भी नहीं होता। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला नंबर, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को, बाबा कह रहे हैं, अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। कौन सी बातों को? अनराइटियस बातों को, जो राइट नहीं है वो बातों को। दूसरा, पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़कर अपने को राजाओं का भी राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। वरदान है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव, अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा, ब्राह्मण अर्थात जो अधिकारी आत्मा है वो कभी भी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्वप्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की, अनादि और आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी, कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर
मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। फिर से पढ़ती हूँ, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। और आज का स्लोगन तो बहुत जोरदार है, याद रखना, सबको थोड़ा बहुत होता है क्रोध, स्लोगन है क्रोध, ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है, याद रखना, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। अव्यक्त इशारे 9 नंबर, जो बच्चे प्रीत बुद्धिमन सदा प्रीत की रीत निभाते हैं, जो बच्चे प्रीत बुद्धिमन सदा प्रीत की रीत निभाते हैं, उन्हें सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। बाप दादा, ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। बाप दादा, ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। अन्य सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। बाकी के बच्चों को वहाँ बिठा देते हैं और बाकी विश्व का राज्य भाग्य किस बच्चों को प्राप्त कराते हैं? जो प्रीत की रीत निभाने वाले हैं। प्रीत की रीत निभानी है।